गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटेसी टिप्स बाय एसएल चैंप। तो चलिए, आज का जो सीबीए मैच है आपको 5:05 पे होने वाला है, ठीक है। तो ये मैच जो है विजिंग डक और जीजिंग लैंस के बीच में होने वाला है। तो ये मैच थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है और सीबीए का क्या फंडा है, कैसे कैसे सारा मैच होगा, उस पर आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल 19 टीम है, ठीक है। टोटल 19 टीम है सीबीए में, और यहाँ पर जो है 19 में से आपको 4 टीम जो है शुरू के डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में जाएंगे, बाकी के 8 जो है ये प्ले ऑफ में जाएंगे, और बाकी के ये 7 टीम जो है आपको ये आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको आज का जो मैच होने वाला है जियाजियोंग लायंस और विजिंग डक, इन दोनों का ज़रा पोजीशन देखिए, 7वां और 11वां। विजिंग डक तो अप्रोक्स अब ना ऊपर जाने वाला है ना नीचे आने वाला है, क्योंकि इन दोनों का मैच अब लगभग एंड ही है। तो विजिंग डक अपने पोजीशन पे ही रहेगा, लेकिन जियाजियोंग लायंस जो है ये नीचे जा सकता है प्ले ऑफ, मतलब ये प्ले ऑफ राउंड से बाहर जा सकता है। ऐसे केस में क्या होगा, जियाजियोंग लायंस जो है अपने बेस्ट प्लेयर को रेस्ट नहीं देगा, और यही आपका मेन कारण है कि एस मिगुल को आप देख रहे हैं खेलते हुए, ठीक है। और एस मिगुल और जेहू ये दोनों बहुत ही तगड़ा परफॉर्म करने वाला है आज भी। एम रजलिका, एस मिगुल, जेहू, इन तीनों पर एकदम ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्यों रखना है, रीज़न बता दिया हूँ पूरा, ठीक है। सभी टीम के मैच होंगे 6-6, ठीक। तो आप यहां से, आप बीजिंग डक का एक और मैच बचा हुआ है, 4 मैच यहां ऑलरेडी हो गया, 3 विन 1 लॉस, आज 5वां है, इसके बाद एक और होगा। जियाजियोंग लायंस का आज जो है आपको 5 मैच हो चुका है, आज जो है 6ठा मैच है, ठीक है। इसके बाद और नहीं होने वाला है किसी का, सबका 6-6-6 हो जाएगा तो काम ख़त्म। तो इसलिए आपको इस चीज़ पे ये चीज़ बताना ज़रूरी था, इसलिए मैं बोला था आज कि जीएल के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये मैच, और क्यों इंपॉर्टेंट है ये सारा रीज़न है। 3 प्लेयर तो एकदम मिस नहीं करना है, 3 प्लेयर आप हर एक टीम में लेके चलो। कौन सा 3 प्लेयर, चलिए वो आपको मैं स्टेटिक्स में दिखाता हूँ, 3 प्लेयर का नाम, उसको आप कहीं भी मिस मत करना। तो चलिए, जियाजियोंग लायंस के तरफ से आपको वो 3 प्लेयर के पहले बात करें जिसको कि आप मिस नहीं करना है, वो है आपको एस मिगुल, एम रजलिका, जेहू। ये 3 प्लेयर एकदम रखना ही रखना है। ये तीनों प्लेयर जो है आपको 35+ मिनट जरूर खेलेगा, बस इंजरी ना हो तो ये तीनों अच्छा खेलेगा। और ऐसे केस में आपको एस मिगुल बेस्ट एसपी होगा आज के लिए। पीपी के लिए आप एम रजलिका और जेहू को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन एस मिगुल जो है बेस्ट एसपी होगा, या फिर आप जेहू को भी एसपी लेके जा सकते हो, क्योंकि जेहू के पास भी आपको पॉइंट रिबाउंड अच्छा है, साथ ही साथ इसका ब्लॉक स्टील दोनों चीज़ है, ठीक है। तो कुछ टीम में हमको एस मिगुल को एसपी ट्राई करना है, कुछ टीम में हमको जेहू को एसपी ट्राई करना है। सेम टीम बनाइए, एसपी पीपी रिवर्स कर दीजिए कुछ टीम में, ठीक है। तो चलिए अभी पहले सारे प्लेयर्स के बारे में डिटेल्स बात करते हैं। तो पहले से यहाँ आप जियाजियोंग लायंस का देख लीजिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए एस मिगुल, और उसके बाद आपको जेड जिनलोंग, जेहू, एम रजलिका, ये 4 स्टार्ट करते हुए दिखेगा, और इन दोनों में से कोई एक देख सकता है, जिनलोंग ली या फिर यानहाओ जाओ, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक दिखेगा आपको। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है, जो 3 प्लेयर होते हैं इंपॉर्टेंट है ही, एफ जिन जो है, जब तक एस मिगुल नहीं आया था तब तक एफ जिन अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट पिछले 2 मैच से एस मिगुल के आने से एफ जिन का परफॉर्मेंस गड़बड़ हो गया है, ठीक है। बाकी कौन सा प्लेयर क्या क्या करता है वो आपको बता देता हूँ। एस मिगुल आपको पॉइंट रिबाउंड असिस्ट ज़्यादा देगा, स्टील भी कर देगा। एफ जिन जो है पॉइंट रिबाउंड असिस्ट स्टील सब कुछ करता है, बट ये नॉर्मल करेगा अब क्योंकि एस मिगुल जो है आ गया है। वाई जाओ जो है पॉइंट रिबाउंड असिस्ट ब्लॉक स्टील सब करता है, बट कम 1.45 ऐसे करके देगा। जेड जिनलोंग का भी वही हाल है। जिरेन जाहो का थोड़ा ठीक है, पॉइंट रिबाउंड असिस्ट ब्लॉक स्टील सब है, बट नॉर्मल है। जेहू तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, पॉइंट रिबाउंड ब्लॉक भी ज़्यादा है, स्टील भी कर देता है, पॉइंट रिबाउंड तो बहुत ज़्यादा है इसका। और एम रजलिका का पॉइंट रिबाउंड ज़्यादा है, असिस्ट और स्टील नॉर्मल है। तो यहाँ से ही आपको जिनलोंग, जियाजियोंग लायंस का हो गया। अब यहाँ से बीजिंग डक की बात करें, तो बीजिंग डक भी जो है ऐसा नहीं है कि वन साइडेड उस टीम को जीतने दे देगी, ये भी थोड़ा अपना इफर्ट जरूर लगाएगा। और इफर्ट लगाने के लिए यहाँ पे आपको 2 प्लेयर जो है अच्छे हैं, एक तो जे जिप्सन और जे हैमिल्टन, ठीक है। जे जिप्सन और जे हैमिल्टन, इन 2 प्लेयर ठीक ठाक है। और यहाँ से एमली, पिछले मैच में एमली अच्छा परफॉर्म किया था, बट आज मुझे लग रहा है जे जिप्सन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और भी आपके पास यहाँ चॉइस है, जेड फैन, एक्स वांग, एस फैन, ठीक है, एक्स डी, बट क्रेडिट मैनेज नहीं कर पाइएगा आप अगर एक्स डी को लेकर जाइएगा तो,
20 प्लस क्रेडिट का ये प्लेयर है, मैनेज नहीं होगा, तो ऐसे केस में एक्सडी को हम ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम जीएल टीम की बात, आपको दिखाते हैं जीएल कम्बिनेशन कैसा कैसा हो सकता है। तो फर्स्ट कम्बिनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको एस मिगुहिल, जेहू एम रजलिका, ये तीन है इस साइड से, और इस साइड से जिब्सन, एस फैंग, जे हैमिल्टन लिया है, और यहाँ से दो नन प्लेइंग हमारा आ जाएगा। ये दोनों कोर्ट पे आएगा नहीं आएगा कोई चांस इसका है नहीं, ये थोड़ा रिस्की टीम है, बट इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है, हम इस तीन को छोड़ ही नहीं सकते हैं, एस मिंगुही, जेहू एम रजलिका, इस तीन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि थोड़ा इन तीनों प्लेयर का परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा है। अगर ऐसे केस में कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, एस मिगू या जे हो, तब तो भारी नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर पूरा दोनों खेल लेता है 35 मिनट प्लस, फिर तो इन दोनों को छोड़ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और ऐसे छोड़ के भी एक कम्बिनेशन दिखाएंगे आपको, पहला ये हो गया एक टीम, टीम नंबर वन, इसी में आप PPSP रिवर्स कर दीजिएगा, वो हो गया टीम नंबर दो, ठीक है। अब चलिए टीम नंबर तीन चार दिखाते हैं आपको, यहाँ से क्या करना है आपको, जिप्सन को ड्रॉप करके आप यहाँ से एमली को ले लीजिए, और फिर से ये टीम नंबर थ्री हो गया आपका, SPPP फिर से रिवर्स कीजिए टीम नंबर फोर, ठीक है। और उसके बाद चलिए आपको दिखाते हैं कि आप अगर ड्रॉप करना चाहते हैं किसी को, उसके बाद का आपको एक कम्बिनेशन हम आपको दिखा देते हैं। और एक टीम ट्राई कर लीजिएगा यहाँ से, जेड जुनलोंग को, ठीक है, जेड जुनलोंग को ट्राई कर लीजिएगा, हाँ ये कम्बिनेशन एक ट्राई कर लीजिएगा, जेड जुनलोंग के साथ चार प्लेइंग हो जाएंगे इस साइड से, और इस साइड से दो नन प्लेइंग हो जाएंगे। ऐसे केस में आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, SPPP सेम एक और एक रिवर्स, तो छः टीम आपका हो गया। अब चलिए एक हम ड्रॉप करते हैं बड़े प्लेयर को, ठीक है, बड़े प्लेयर यानी कि एस मिंगुहिल को। एस मिंगुहिल को आप जैसे ही ड्रॉप कीजिएगा, एस मिगुहिल को ड्रॉप करना थोड़ा रिस्की होगा, बट ड्रॉप करके ये कम्बिनेशन एक अच्छा बन रहा है। SL में आप इसके साथ भी जा सकते हैं, यहाँ पर आप जेहू को आप SP कर दीजिएगा और एम रजलिका को PP कर दीजिएगा, ठीक है, PP SP ये दोनों चॉइस रहेगा आपको, अच्छा चॉइस रहेगा, यहाँ से आपको सारे प्लेइंग प्लेयर मिल जाएंगे, ठीक है। और SPPP रिवर्स भी कर देगा, तो आपको टोटल 8 टीम हो गया, और लाइनअप जरूर दिखेगा, जितने प्लेयर को मैं बताया हूँ इंपॉर्टेंट, वो सारे लाइनअप में हैं या नहीं, लाइनअप देखना मस्ट है, क्योंकि बिना लाइनअप किस तरह के टीम से मत जाइएगा। स्क्वाड कम से कम पहले देख लीजिएगा, लाइनअप तो लास्ट में आएगी, 8 टीम आप एडिट नहीं कर पाओगे, तो स्क्वाड देख के ही कीजिएगा। तो ये हमारे सारे GL टीम जो भी मैंने दिखाया आपको, आप कुछ कम्बिनेशन और ट्राई कर सकते हो अपने तरफ से, एक दो मैंने सारा इंपॉर्टेंट बात बता दिया, GL जरूर खेलिएगा। स्मॉल लीग की टीम की बात करें तो स्मॉल लीग की टीम हम लोग फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे देंगे, टेलीग्राम पे कैसे आना है चलिए मैं आपको वो बता दूं पहले। टेलीग्राम पे आने के लिए आप सर्च कीजिए @NitishForYou, जैसे सर्च करेंगे आपको SL Champ लिंक नाम से चैनल मिल जाएगा, ये बस लिंक के लिए है, आपको यहाँ मेरा लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप SL Champ के मेन चैनल में आ जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको 16.7K का है। यहाँ से आपको पूरा सब मैचेज का दिख जाएगा, हम लोग सारे मैच कवर करते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, सारा हैंडबॉल, जितना भी चीज़ होता है लगभग सब कवर करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हाँ पूरा 100% मैच कवर करेंगे, दिन भर में कम से कम 10 से 15 मैच तो जरूर ही आपको यहाँ मिल जाएगा, 15 मैच आराम से यहाँ मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम यही देंगे। और स्मॉल लीग खेलने के लिए आप लोग प्राइम कैप्टन एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, खास करके CBA में, यहाँ पे 5 मिनट एक्स्ट्रा है बास्केटबॉल में, और CBA में लाइनअप थोड़ा लेट आता है, तो ऐसे केस में आप यहाँ इंस्टॉल कर लीजिए, तो आराम से आप टीम एडिट कर सकते हैं। और विजन 11 पे भी सेम बात है, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, दोनों का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन ओपन करने के लिए वीडियो का टाइटल को टैप कीजिए, या फिर SL Champ लिंक जो ग्रुप है वहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं, GL टिप्स अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए, ताकि कंटिन्यू आप लोगों को GL टिप्स और वीडियो और GL टीम मैं प्रोवाइड करता रहूं। तो चलिए वीडियो को यहीं रोकते हैं, धन्यवाद।